ज़ीशान भाई, एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मेरा नाम ज़ीशान अहमद है, मैं बेसिकली बिहार से हूँ। मैंने अपनी जो पढ़ाई है मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया मैं। अच्छा ज़ीशान, पीछे हम ये पोस्टर्स देख रहे हैं फाइव वेडिंग्स का, जी इसके साथ भी आप एसोसिएटेड है, किस तरह से एसोसिएटेड, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस फिल्म को फाइव वेडिंग को हम लोग इंडिया में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रेजेंटिंग पार्टनर हैं। इसके अलावा मैं फिल्म में एज एसोसिएट प्रोड्यूसर भी काम कर रहा हूँ। तो पूरे वर्ल्ड में फिल्म रिलीज हो रही है 26 को। ट्रेलर जब हमने देखा तो मिक्सचर लग रहा है हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म का, इस तरह से क्या है कहानी और क्या कुछ और एक्स्ट्रा इसमें हम देखने मिलेगा? इसमें जो चीज़ें हैं बहुत आपको बॉलीवुड फिल्म से काफ़ी अलग फिल्म है ये, एक तरीके से कह सकते हैं कि अमेरिका का कल्चर और इंडिया कल्चर मिक्स किया गया है। और इसके अलावा जो फिल्म है ना, वो फिल्म का जो टाइटल है फाइव वेडिंग्स, तो जो कहानी है इसकी वो ऐसी है कि एक जर्नलिस्ट है अमेरिका की, वो इंडिया आ रही है, इंडिया आके पांच शादियां कवर करती है। अब पांच शादियों में जो चीज़ें हैं, किस तरीके शादियां होती है, क्या होती है, तो उसके ऊपर पूरी की पूरी फिल्म है। अब वो जब इंडिया आती है तो एक लेजर ऑफिसर है जो राजकुमार राव प्ले कर रहे हैं, लेजर ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो वो उनके साथ किस तरीके से मिलती है, क्या घटनाएँ घटती है, इसके ऊपर पूरी की पूरी फिल्म है। तो बहुत लाइट मूडेड फिल्म है और एक दो इशूज़ भी हैं किन्नरों के ऊपर, वो भी उठाया गया फिल्म में, जो बहुत नया है, बहुत कम डायरेक्टर होते हैं। नम्रता सिंह गुजराल ने ये मुद्दा उठाया, बहुत बड़ी चीज़ है, तो शायद ही बहुत कम डायरेक्टर हैं जो इस तरह का मुद्दा उठाते हैं और हिम्मत करते हैं इस तरह की फिल्म बनाने के लिए, तो उन्होंने किया। और थैंक गॉड कि वर्ल्ड में भी, पूरे वर्ल्ड में 52 कंट्रीज में फिल्म रिलीज़ हो रही है एक साथ, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग के लिए। अच्छा फिल्म में स्टार कास्ट काफ़ी तगड़ी है, राजकुमार राव और नरगिस फाखरी, ये दोनों को जब आपने ऑफकोर्स जब आप इसके साथ जुड़े तो पहली चीज़ तो आपने ऑफकोर्स देखी होगी जो तो स्टार कास्ट है, उसको किस तरह से आपने फिर आगे लेके गए और उस पर किस तरह से काम शुरू हुआ फिल्म में? एक्चुअली क्या है ना कि जब हमने फिल्म देखी, फिल्म तो बहुत सारी बनती है, जब हमने फिल्म देखी, फिल्म देखने के बाद हमें समझ में आया कि राजकुमार राव का एक गेटअप जो लुक है, पंजाबी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और नरगिस का जो काम था ना, मैंने अभी जितनी फिल्में देखी उसमें नरगिस का काम उसमें सबसे बेहतरीन लगा। एक अलग लुक में है, अलग कैरेक्टर प्ले कर रही है, एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही है, और राजकुमार तो की तो बात ही नहीं कर सकते, तो काफ़ी एक्टिंग के मामले में उनका जवाब ही नहीं है, तो काफ़ी फिल्म को इन दोनों ने बांध के रखा। इसके अलावा भी दो इंटरनेशनल एक्टर भी हैं, कैंडी क्लार्क है, बोट रैक है, तो जब ये दोनों फिल्म में हैं, कैंडी क्लार्क और बोट रैक भी फिल्म में है, तो फिल्म अलग ही लेवल पे चली जाती है, तो ये चीज़ है। सुपर। और किस तरह से शूट वगैरह हुआ है, मतलब हम हॉलीवुड में वहाँ पे भी बात शूट? हाँ, कुछ नहीं, कुछ यूएसए में शूट्स हुए हैं इसके, फिल्म शुरू होती है यूएसए से, या उसके बाद फिल्म आती है चंडीगढ़ में, शिफ्ट होती है पंजाब में, पूरा का पूरा पंजाबी कल्चर दिखाया गया है फिल्म को, फिल्म में जो भी चीज़ें हैं तो पंजाब में वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। क्या होता है ना कि फॉरेन में अगर बात किया जाए तो उनको पता नहीं होती चीज़ें कि हमारे शादियां कैसे होती हैं, ठीक है, शादियों में क्या क्या होता है। अब मेहंदी की रस्म है, अब फॉरेन में अगर देखा जाए तो ऐसी कोई रस्म नहीं होती, हल्दी की रस्म है, तो इस तरीके इन सब चीज़ों को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे किन्नर का मुद्दा मैंने बताया, तो किन्नर का मुद्दा उनके लिए बहुत नया है, तो इस तरीके के मुद्दे उठा के फिल्म को पूरी तरीके से कंप्लीट करना, एक लव स्टोरी भी है, एक चीज़ है, राजकुमार को देखा जाए और नरगिस को देखा जाए, तो उनके बीच में एक लव स्टोरी भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एक फॉरेन की लड़की इंडिया आती है और पंजाबी लड़के के साथ एक रिलेशन है, चीज़ें हैं, किस तरीके से इनका झगड़ा होता है, क्या क्या चीज़ें होती है फिल्म के बीच में, तो ये कहानी। और आपने जब इसकी कहानी सुनी, कहानी का अपने जिक्र किया इसके बारे में, क्या कुछ जहन में आया, मतलब इस तरीके से अगर हम दिखाते हैं, यू नो, एक कल्चर का एक मिक्सचर है, जब एक साथ दिखता है, ऑफ कोर्स यहाँ की भी ऑडियंस और वहाँ की ऑडियंस से भी कनेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, बिल्कुल, एंड देन कम्स दिस काइंड ऑफ सिनेमा जो ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन उसको साथ में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक अलग फ्लो में जाना चाहिए, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? इस फिल्म को जब हम लोगों ने शुरुआत की चीज़ें की इस फिल्म को इंडिया में लेके आए, इस तरह की फिल्म, एक्चुअली ये फिल्म जो थी ना, ये पहले प्लान नहीं था डायरेक्टर का भी कि इंडिया में रिलीज़ करना है। तो इसके बाद जब हमने फिल्म देखी, हमने जब स्टोरी सुनी, चीज़ें सुनी, तो बहुत अलग लगी फिल्म कि यार ये बॉलीवुड फिल्म भी है, लेकिन एक बॉलीवुड फिल्म में एक जोन होता है कि एक आर्ट जोन होता है, कमर्शियल जोन होता है, तो ये दोनों को टच कर रही थी, तो हमें लगा कि नहीं यार फिल्म इंडिया में रिलीज़ करनी चाहिए और अच्छे तरीके से रिलीज़ करनी चाहिए, तो फिर हम लोगों ने पूरा का पूरा प्लान करके फिर इंडिया में फिल्म रिलीज़ की।
इस फिल्म में तो आप ऑफकोर्स काम कर रहे हैं, लेकिन यू नो पहले से ही कुछ ऐसा कुछ कनेक्ट था कि फिल्मों से यू वांटेड टू गेट एसोसिएटेड एंड डू गुड वर्क इन सिनेमा? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जब 12th कंप्लीट किया उसके बाद जब मैं मास कॉम करने के लिए दिल्ली पहुंचा, मेरी मुलाकात भट्ट साहब से हुई, भट्ट साहब से जी दिल्ली में भट्ट साहब से मेरी मुलाकात उस टाइम में जन्नत टू शुरू होने वाली थी, तो मैं उनके साथ एसोसिएट हुआ। एसोसिएट होने के बाद काफ़ी टाइम कि मैंने मास कम्युनिकेशन जिस दिन कंप्लीट किया तो मेरे जो टीचर थे इमरान जाहिद, तो उन्होंने मुझे बोला आप क्या करना है, तो मैंने बोला फिल्म में ही जाना है, फिल्म ही करनी है। तो फिर मैंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला, तो इसके बाद भट्ट साहब के साथ मिलकर हम लोग ने एक थिएटर ग्रुप ओपन किया। थिएटर ग्रुप ओपन करने के बाद हम भट्ट साहब की जितनी पुरानी फिल्में थी सबको थिएटर में लेके आना शुरू कर दिया, और वर्ल्ड वाइड, ये नहीं था कि सिर्फ इंडिया में हम प्ले कर रहे हैं, इस चीज़ को वर्ल्ड वाइड लेके गए, जिसमें द लास्ट सैल्यूट थी जो जॉर्ज बुश के ऊपर जूता मारा गया था अलजैदी ने, उसका प्ले किया हमने, जीनो मोरिया और पूजा भट्ट ने काफ़ी सपोर्ट किया उस प्ले को। उसके अलावा अर्थ जो भट्ट साहब की कल्ट फिल्म है उसको प्ले में लेके आए, वो काफ़ी हिट रहा शो। इसके बाद पूजा भट्ट की जो पहली फिल्म थी डेब्यू फिल्म डैडी, उसका प्ले किया हमने। तो इस तरीके से धीरे 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 करके जर्नी हमारी चली। उसके बाद फिर मुंबई आया और एक फिल्म डायरेक्ट की, फिल्म का टाइटल है हु इज़ द फर्स्ट वाइफ ऑफ माई फादर। फिल्म में लटिंदर जी थे जिनके अभी कुछ हाल फिलहाल कुछ दिन पहले डेथ हुई, उनकी लास्ट फिल्म है वो, एक फेस्टिवल फिल्म है वो, मोहन कपूर है उसमें, अदिति गोत्रीकर हैं। तो इस साल होप की रिलीज़ हो जाएगी, वो भी फिल्म भी रिलीज़ होगी। अभी इटली फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिला है फिल्म को, तो उस तरीके जर्नी है। उसके बाद फिर फाइव वेडिंग्स, अब आगे भी चीज़ें चल रही हैं हमारी, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अपने प्रोडक्शन हाउस से, चीज़ें हैं, राइटिंग भी कर रहा हूँ मैं चीज़ों के साथ साथ, तो ये चीज़ है, एक छोटी सी जर्नी है। जब ट्रेलर देखा हमने राजकुमार राव को, ऑफकोर्स इस अवतार में हमने नहीं देखा, बिल्कुल आपने भी कहा, बिल्कुल राजकुमार की आज से नहीं, हमने जो रानी एवर्स देखी थी तब से हम उनके फैन हैं, ठीक है। तो चीज़ें थी कि लेकिन राजकुमार ने एज ए एक्टर जो ग्रूम किया, जो चीज़ें की, बहुत इंस्पायर करता है लोगों को कि इस तरीके से चीज़ें बढ़ते बढ़ते बढ़ते। सिटी लाइट थी, भट्ट साहब ने फिल्म की थी सिटी लाइट जब भट्ट साहब से हमारी मुलाकात भी हुई थी एक बार, हम प्ले कर रहे थे गुजरात में अर्थ, तो बातचीत जब हुई तो भट्ट साहब ने बोला कि फिल्म देखी सिटी लाइट, लड़का कितना कमाल किया। और उन्होंने भट्ट साहब ने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि यार ये लड़का है जो मुझे लगता है कल का स्टार है। तो ये चीज़ें हैं राजकुमार के अंदर, तो चीज़ें हैं। और आई मीन राजकुमार राव कभी मुलाकात वगैरह हुई वाइल्ड शूटिंग या ऐसे कुछ आपकी? और नहीं, एक्चुअली शूट पे नहीं था मैं, मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। भट्ट साहब का जिक्र किया आपने, यू नो उनका सिनेमा एक टोटली अलग लेवल पे होता है, और आप वहीं से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं, फिर एक इस तरह का सिनेमा आता है। कुछ एलिमेंट्स भट्ट साहब के आपने कहीं इस्तेमाल किया या वैसी कुछ सोच रखी? बिल्कुल बिल्कुल, भट्ट साहब की जो सोच है बहुत, हम लोग तो उनसे इंस्पायर्ड होकर फिल्म वहीं बनाना शुरू कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। उनकी जो सिनेमा जो उन्होंने डायरेक्ट की है फिल्म, वो जो टॉपिक उन्होंने उठाया हमेशा इसी तरह का एक मुद्दा उठाया, ठीक है। उनकी अगर फिल्म की बात करें तमन्ना फिल्म थी, पूजा भट्ट की फिल्म थी, तो उसमें भी इसी तरह का एक मुद्दा उठाया था उन्होंने, किन्नर का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा भी काफ़ी सारी फिल्में, उनकी सारांश देख लो, अब अर्थ देख लो, उसमें एक वमन का मुद्दा उठा के उन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट किया। तो इस तरीके भट्ट साहब का तो जोन ही अलग है, तो सरब जैसी फिल्म बना रहे हैं वो, तो वो तो मतलब इन अ वे भट्ट साहब इज योर इंस्पिरेशन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आई मीन फिल्म वगैरह तो आपने जब दिल्ली के आपने जिक्र किया, वहाँ पे आपने कहीं ना कहीं वहाँ पे आपकी शुरुआत हुई, और उसके बाद मतलब यहाँ पे आने के बाद यहाँ से किस तरह क्या क्या जर्नी हुई? आपने जो पहली फिल्म का आपने जिक्र किया जब डायरेक्ट वो फिल्म की आपने, तो वो उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। जब दिल्ली से मैं मुंबई आया तो ऐसे दो दोस्तों का प्लान बन गया कि चलते हैं मुंबई। थैंक गॉड ऊपर वाले का अलग अलग शुक्र है कि स्ट्रगल नहीं था मेरे लाइफ में चीज़ें कि वो कि मैं स्टोरी लेके मैं घूम रहा हूँ जगह जगह। एक तो नरेशन हुआ मेरे अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ, मैंने उनको स्टोरी नरेट की फिल्म की, उनको बहुत पसंद आया, और शायद एक बड़ी फिल्म का PNA करने जा रहे थे वो, तो उन्होंने वहाँ पर उस चीज़ को रोका, बोला कि नहीं यार ज़ीशान मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो करीब मैं मुंबई आने के 2 से 3 महीने के बाद मैंने फिल्म शुरू कर दी थी अपनी हुज़ द फर्स्ट टाइम, कि वह फिल्म शुरू हो गई मेरी। तो इस तरीके से जर्नी है मेरी, कोई बहुत ज़्यादा है उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में होता, एक चीज़ें होती है। तो उसके बाद फिल्म बनने के बाद उतार चढ़ाव हो गया हमारे साथ, कि चीज़ें ये हुई कि फिल्म जिस दिन कंप्लीट हुई उसके बाद जैसे डबिंग कंप्लीट किया इंद्र कुमार ने उनकी डेथ हो गई,
तो बहुत बड़ा सदमा था। हम लोग काफ़ी बैकफुट पर गए कि यार एक अच्छी फिल्म, क्योंकि इंदर जी को भी काफ़ी उम्मीद थी इस फिल्म से, चीज़ें तो काफ़ी अभी तक के हिसाब से उनका था कि सबसे अच्छा काम किया मैंने इस फिल्म में, उस द फर्स्ट वाइफ में। आई होप कि जल्दी फिल्म रिलीज़ हो और लोग देखें फिल्म। आप डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, लिखते भी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिखता भी हूं। तो कुछ कुछ ऐसा कुछ बाकी है जो आप नहीं करते हो कुछ ऐसे, या फिर कुछ सोचा है आपने? यू नो ये इस फिल्म के साथ तो आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल, बट आर देयर एनी प्लान्स यू वांटेड टू डू समथिंग और यू हैव एनीथिंग इन माइंड दैट यू वांट टू गेट? नहीं नहीं, बस अच्छी फिल्में बनानी है, फिल्म के साथ, अच्छी फिल्मों के साथ एसोसिएट होना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, एज ए प्रोड्यूसर हो, एज ए राइटर हो, एज ए डायरेक्टर हो, बस अच्छी फिल्में जो आज जो यूथ देखना चाह रही है, जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो अच्छा, जितना अच्छा कर सके हम, उसके ऊपर कोशिश जारी है हमारी। कुछ और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे चल रहे हैं, इन हाउस चल रहे हैं, बहुत जल्दी हम अनाउंस कर देंगे। हाँ, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें बड़े एक्टर्स ही होंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक अच्छी फिल्म है, बहुत जल्दी उम्मीद है कि हम शुरू करेंगे, और एक फिल्म की कास्टिंग ऑलरेडी चल रही है, उसमें भी काफ़ी बड़े स्टार हैं। Do you agree with this, Mr. Mahesh Bhatt is a mentor of every Muslim artist who comes in India, or whoever is Muslim, he is a mentor of that person because he his mother somewhere belongs to the same caste. नहीं ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं करी, बहुत सारे आर्टिस्ट को उन्होंने सपोर्ट किया है, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं। अब बात करें तो क्या नाम है, ड्यूनो मोरिया तो मुस्लिम्स नहीं था, तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं, वो देखते हैं कि आपके अंदर टैलेंट कितना है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका क्या है ना कि एक रूहानी जो बात होती है वो चीज़ है उनके अंदर। अब क्या ना कि अब बात करते हैं कि जैसे पाकिस्तान से वो सिंगरों को चांस देते, तो म्यूजिक है वहाँ, चीज़ें हैं, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वो एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ को सपोर्ट करते हैं। अभी एक फिल्म में एक्ट भी कर रहे हैं, मैंने अभी ट्रेलर भी देखा उनका, तो चीज़ ऐसा कुछ नहीं कि एक पर्टिकुलर। और उस फिल्म में भी उनका किरदार ज़ुल्फ़िकार हुसैन है ही, सही है, लेकिन क्या कहें हम इन पे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इस एक ही चीज को सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप कहीं रिग्रेट करते हैं फिल्म को रिलीज करना इंडिया में सही नहीं था? नहीं, ऐसा बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता मैं, फिल्म को रिलीज इंडिया में करना ही चाहिए था, तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम इंडिया में प्रेजेंट ही नहीं करते फिल्म। जब हमने फिल्म देखी तो हमें लगा कि नहीं, फिल्म इंडिया में रिलीज करना चाहिए था, इसलिए हमने फिल्म इंडिया में रिलीज की। ओके, व्हाट डू यू थिंक इज वेंट रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन? इतना ज़्यादा लोगों को फिल्म के बारे में पता नहीं चल पाया। अभी मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज से 2 दिन पहले मेरे को दिल्ली से फ़ोन आया INS से, बहुत बड़ी एजेंसी है, कि फायर वेडिंग का हमको पब्लिक ओपिनियन चाहिए, रिव्यू चाहिए, लेकिन मेरे पास यूनिट थी, कैमरा था, लेकिन कहाँ करें वो नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली क्या था ना कि जब हम फिल्म जब इंडिया में लेके आए थे तो फिल्म सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रिलीज़ करने का हमारा प्लान था, हिंदी में हम इसको रिलीज़ करने का कुछ सोच ही नहीं थी कि हमारी की फिल्म हिंदी में रिलीज़ करना है। फिर जब चीज़ें मार्केट में बस हुआ, ऐसा नहीं कि बस नहीं है मार्केट में, शायद ही कोई न्यूज़पेपर हो या कुछ चीज़ें टीवी पे हो, जब प्रमोट नहीं हुई फिल्म जिस हिसाब से फिल्म को प्रमोट करना चाहिए था, हमने उस हिसाब से फिल्म को प्रमोट किया। फिल्म क्या है ना कि फिल्म मसाला फिल्म नहीं है, काइंड ऑफ ये नहीं कह सकते बिल्कुल मसाला फिल्म है जिसमें मारपीट है, रोमांस है, इसके ऊपर फिल्म नहीं है, तो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए फिल्म है, जिस ऑडियंस के लिए फिल्म है, जिस सीरीज तक जानी चाहिए उस सीरीज तक फिल्म पहुंची, ऐसी बात नहीं कि फिल्म उस सीरीज तक नहीं पहुंची। डू यू एग्री इट इज हैव द फिल्म हैव अ टेस्ट ऑफ समथिंग व्हिच यू नो नॉर्मली गुरिंदर चड्ढा यूज्ड टू प्रोड्यूस और डायरेक्ट, जिस तरह की गुरिंदर चड्ढा ने फिल्में की हैं वो उस तरह का टेस्ट था ये? नहीं, इस्ट इज इस्ट और इस तरह की जो फिल्में गुरिंदर चड्ढा ने करी हैं वो अलग, एक आप देखें अगर मिला जुला मेलजोल लगता है फिल्म की। और नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, जब एक NRI डायरेक्टर इंडिया की फिल्म बनाता है तो ये आपको लगता है कि चीज़ें की टेस्ट वही है, लेकिन फिल्म ज़मीन आसमान का फ़र्क है चीज़ों में। ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्म गुरिंदर चड्ढा के टेस्ट की फिल्म है या ऐसे टेस्ट है, क्योंकि तो जितने भी डायरेक्टर आप देख लो जो कैनेडा से हैं, जो इंडिया के ऊपर फिल्म बनाते हैं, तो सबका कहीं ना कहीं जोन उनका इंडिया को देखने का नजरिया होता है। महेश भट्ट साहब इन वन लाइन, अगर आप महेश भट्ट साहब को एक लाइन में बताना चाहें तो महेश भट्ट साहब के बारे में क्या कहें? हमारे गॉडफादर हैं, तो और क्या बोल सकते हैं। तो क्या सीखा आपने महेश भट्ट साहब? काफ़ी कुछ सीखा, मेरी स्कूलिंग ही उन्हीं के साथ हुई। जब मैंने मास कम्युनिकेशन जब कर रहा था मैं, तो क्लास सबसे पहले शुरुआत ही उनकी क्लास से हुई, हमारी क्लास लेने आए, चीज़ें हुई, तो शुरुआत ही एक एक एक्टिंग की बारीकी से लेके किस तरीके से प्रोडक्शन करना चाहिए, क्या चाहिए, तो हर जगह वो थे, और हर जगह जहाँ भी सपोर्ट की ज़रूरत हो सपोर्ट मिला, ऐसी बात नहीं। राजकुमार राव के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का? देखिए नरगिस तो विनो, राजकुमार राव आज की तारीख में इज वन ऑफ द फैंटास्टिक एक्टर भी है,
क्या आपको लगता है कि राजकुमार में भी बहुत कुछ बाकी है जो आया नहीं है? बिल्कुल इज अ अंडररेटेड एक्टर. नहीं, अंडररेटेड अब नहीं कह सकते हम चीज़ों, क्योंकि काफ़ी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने एक्सप्लोर कर दिया है. हर तरह के कैरेक्टर में आ रहे हैं, आगे भी आ रहे हैं. हर फिल्म में उनका एक अलग किरदार देखने को मिल रहा है, अलग लुक में है वो. तो ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. ओके, इसके बाद क्या? इसके बाद दो फिल्में चल रही है हमारे प्रोडक्शन हाउस से, हमारे फिल्म से दो फिल्में चल रही है ऑलरेडी. एक बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है, एंड बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे बड़े बैनर के साथ. आई होप. जीशान, आपको लगता है कहीं वो कॉर्पोरेट के इन्वॉल्वमेंट से जो एक फिल्म मेकिंग का जो आर्ट है जो बहुत पहले बहुत कम लोगों को फिल्म मेकिंग पता थी, प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन, मनमोहन देसाई प्रोडक्शन, कॉर्पोरेट के इन्वॉल्वमेंट से वो जो खूबसूरती है सिनेमा की, 15-15, 20-20, 25-25 हफ्ते फिल्में लगा करती थी, सिल्वर जुबली हुआ करती थी, कॉर्पोरेट के इन्वॉल्वमेंट से स्क्रीन को लेकर भी बड़ी मोनोपोली हो गई है कि आप अपनी फिल्म बनाएं और अपनी फिल्म दिखाने के लिए आप इस थिएटर और उनको पैसा दें. पहले जो चीज़ें थी, पहले फिल्में कम बनती थी, पहले फिल्म कम बन रही है तो ज़्यादा टाइम तक चल रही है थिएटर में. अब वो चीज़ नहीं है, अब काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट में. कॉर्पोरेट हो या कोई भी हो, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर भी फिल्म बना रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ा है, फिल्म की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, अलग अलग टॉपिक पर लोग फिल्म लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन तो बढ़ेगा ही ना. आप कॉर्पोरेट का आना सही मानते हैं? नहीं, ठीक है, क्यों, उसमें बुराई क्या है कॉर्पोरेट अगर आता है तो. एज ए प्रोड्यूसर क्या चैलेंजिंग रहते हैं जब आप किसी फिल्म पे काम करते हैं? जैसे आपने बताया कि आने वाला प्रोजेक्ट है जिसको आप किसी बड़े स्टूडियो के साथ जॉइन करने वाले हैं, क्या चैलेंजेस रहते हैं जब आप? काफ़ी कुछ चैलेंजेस, फिल्म मेकिंग है तो चैलेंज तो होगा ही, बिना चैलेंज की कुछ चीज़ें मज़ा भी नहीं आता चीज़ों में. तो काफ़ी कुछ है चीज़ें, देखते हैं किस तरीके से चीज़ें बनती हैं. क्या आप खुद कभी एक्टिंग करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल. व्हाई यू थिंक्स? ऐसे ही, कभी उस तरफ रुझान नहीं रहा हमारा कि भाई एक्टिंग करना. थिएटर किया है मैंने, प्ले में व्हाट्सएप के प्ले में मैंने एक दो कैरेक्टर प्ले किए हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं कि एक्टिंग की तरफ जाना. रुझान हमेशा शुरू से डायरेक्शन और प्रोडक्शन और राइटिंग की तरफ ही रहा. थैंक यू सो मच.